हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास में किस एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे फर्दर टॉपिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का भी टॉपिक बनेगा, जहां पर इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में हम बता रहे हैं। ये आगे आने वाली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। ये हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर को भी कहीं ना कहीं डिवोट करता है। तो आइए जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी, जैसे कि आपको पता होगा, हाल ही में मोदी जी अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में गए हुए हैं। वहां पर उनकी बहुत सारी बैठकें भी चल रही हैं। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पर यूएई का जो एक जगह है जिसका नाम है आबू धाबी, वहां पर एक हिंदू टेंपल का निर्माण किया गया है। अब ये हिंदू टेंपल जो मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में आप पढ़ेंगे, इट इज अ फर्स्ट इंडियन हिंदू टेंपल सिचुएटेड इन आबू धाबी। ओके, लेकिन फर्स्ट हिंदू टेंपल बोलना कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि हम इसको फर्स्ट हिंदू टेंपल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेंपल। अब मैं यहाँ पर मैंने एक शब्द का यूज़ किया है जिसको मैंने बोला है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? जो कि स्टोन्स से बना होता है। एक ट्रेडिशनल हिंदू टेंपल जो होता है वो स्टोन से निर्मित होता है। तो ये जो मंदिर है ये स्टोन से बनने वाला है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये यहाँ का पहला हिंदू टेंपल है। ठीक है, अब ये टेंपल जो है इसका नाम क्या है? BAPS टेंपल। आपने इसी नाम से इसको सुना होगा। तो BAPS क्या है? BAPS एक संस्था है जो अलग अलग जगहों पर मंदिरों का निर्माण करती है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग सेक्ट को मानने वाले लोग भी यहां पर रहते हैं, तो BAPS जो है ये है वैष्णविज्म वाले। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं वैष्णविज्म को मानते हैं, वैष्णव सेक्ट के को बिलोंग करते हैं। तो इस संस्था का जो पूरा नाम है वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, दैट इज बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ये इसका पूरा नाम है BAPS का। इनकेस अगर एग्जाम में पूछा गया तो आप इजिली इसको टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो BAPS जो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि BAPS केवल क्या आबू धाबी में ही मंदिर बना रहा है, नहीं, ये अलग अलग जगह पर अपने सेक्ट को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिरों का निर्माण करता है। इसके द्वारा ही हमारे यहाँ पर भी न्यू दिल्ली में भी एक मंदिर का निर्माण किया गया है। न्यू दिल्ली में भी एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम है अक्षरधाम टेम्पल, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज से, सपोज लंदन और न्यूयॉर्क, यहाँ पर भी इन्होंने क्या किए हुए हैं, अपने अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा BAPS टेम्पल। अब ये जो मंदिर बन रहा है ये बहुत लंबा मंदिर बन रहा है, 108 फीट का इसकी हाइट है, 108 फीट का ये मंदिर बन रहा है। ठीक है ना, अब इस मंदिर में जो है यहाँ पर 7 शिखर बनाए हुए हैं। अगर आप लोग जानते होंगे, अगर आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर, जैसे कि हमारा कोई भी मंदिर का निर्माण होता है तो यहाँ पर एक शिखर का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे अगर आप देखेंगे, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं बनाऊंगी, बट यहाँ पर आपको इस तरह से 7 शिखर जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 शिखर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये 7 शिखर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम बोल रहे हैं यूएई के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यूएई जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये कितने एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है? ये 7 एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये 7 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बोले तो 7 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाए हैं, 7 शिखर यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसलिए 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ के 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, तो कभी ना कभी लोगों ने सोचा होगा कि इस तरह का मंदिर हमको यहाँ पर इसका निर्माण क्यों करना है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि ये जो स्वामी नारायण संस्था है, जो कि कहीं ना कहीं वैष्णविज्म को मानती है, तो इनके एक स्पिरिचुअल गुरु थे, 10th स्पिरिचुअल गुरु थे, इनके जो 10th स्पिरिचुअल गुरु थे जिनका नाम था प्रमुख स्वामी महाराज, इनका नाम ही था प्रमुख स्वामी महाराज, इनके द्वारा 1997 में ये बात कही गई थी
ईयर याद रखेंगे आप, 1997 में ही ये बात करी गई थी कि इस तरह के एक मंदिर का निर्माण आबू धाबी में भी करना चाहिए। तो इसकी नींव कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो इनके जो स्पिरिचुअल गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज जी, उन्होंने 1997 में ही रख दी थी। लेकिन उस समय पर इसमें इतना सारा काम नहीं हो पाया था, या हम बोल सकते हैं कि वहां पर उस समय यूएई के साथ इंडिया के टाइज बहुत अच्छे नहीं थे, तो यूएई इस बात पर राजी नहीं हो रहा था, सहमत नहीं हो पा रहा था। तो अब जा करके यहाँ पर ये चीज हुई है। अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस मंदिर के थोड़े से आर्किटेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 शिखर हैं यहाँ पर, उसके बाद मैंने अभी बोला आपको ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है, ये नागर शैली पे बेस्ड है, नागर शैली पर बेस्ड है, नागर स्टाइल है ना। आप लोगों ने दो तरह की आर्किटेक्चर पढ़े होंगे, एक द्रविड़ टाइप का आर्किटेक्चर होता है, एक नागर शैली का होता है। द्रविड़ टाइप का यूजुअली आपको दक्षिण साइड में देखने के लिए मिलता है, और नागर साइड का आपको नॉर्थ साइड में देखने के लिए मिलता है। जो हमारा अभी अयोध्या का मंदिर बना हुआ है वो भी इसी नागर शैली पर बेस्ड है, तो ये वाला जो मंदिर बना हुआ है ये भी नागर शैली पर बेस्ड है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अगर मंदिर का आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें तो आपको पता चलेगा कि उसमें बाहर जो सैंड स्टोन्स लगे हुए हैं वो पिंक कलर के हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं, राजस्थान से लिए गए हैं, राजस्थान से लिए गए हैं। और इसके अंदर जो है वो वाइट मार्बल लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इटालियन मार्बल, इटालियन मार्बल। तो अंदर साइड इसमें इटालियन मार्बल लगा हुआ है पूरे में, डिजाइनिंग अच्छे से की हुई है, और बाहर साइड जो है यहाँ पर सैंड स्टोन लगा हुआ है। अंदर की अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो वहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं को डिपिक्ट भी किया गया है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि भारत में अगर मैं बोलूँ कि 4 दिशाओं में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ अलग अलग जगह के जो देवी देवता जिनको हम मानते हैं उनको भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल राधा कृष्ण को भी किया गया है, लॉर्ड शिवा, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, लॉर्ड अयप्पा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ना। और इसी के साथ राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, इन सबको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर डिपिक्ट किया गया है। तो बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर डिपिक्शन है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़ भी मिलेंगी, बहुत अलग अलग कल्चर्स को भी बताया गया है, अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर कुछ डिपिक्शंस किए गए हैं। तो बेसिकली जो भी यहाँ पर काम किया गया है वो बहुत बेहतरीन काम किया गया है, इसलिए मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं देखिए मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो हमारे रिलीजियस वैल्यूज, हमारी कल्चरल वैल्यूज को भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ हमारे उस कंट्री के साथ आगे आने वाले समय में जो रिलेशंस होंगे वो कितने अच्छे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा की, कि कितने लोग रहते हैं यहाँ पर जो हम मंदिर बना रहे हैं। तो अगर हम इसको एक मोटा मोटा सा हिसाब लगाना चाहें तो 3.3 मिलियन लोग इंडियन है, हमारे हिंदू हैं, इंडियंस हैं जो यहाँ पर रहते हैं, 33 लाख, है ना, 33 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूँ तो 90 लाख है टोटल पॉपुलेशन लगभग, तो उस 90 लाख में से 33 लाख लोग जो है वो इंडियन है वहाँ पर, इसलिए इंडियन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मंदिर का निर्माण करने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग टाई को ये शो करने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने जैसे आपको बताया तो यहाँ पर आपको 2 डोम्स भी मिलेंगे, जो ऐसे ऊपर इस तरह से डोम स्ट्रक्चर बना रहता है, तो यहाँ पर आपको डोम भी मिलेंगे। वो दोनों डोम्स के नाम अलग अलग हैं, वो डोम्स के नाम आपको पता होना चाहिए, एक है डोम ऑफ हार्मनी एंड एक है डोम ऑफ पीस, डोम ऑफ हार्मनी एंड एक है डोम ऑफ पीस, इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। हार्मनी शब्द जो है ये आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप ये याद रखेंगे कि हार्मनी शब्द कहीं ना कहीं इस यूएई वाले बीएपीएस टेंपल से रिलेट करता है। देखिए अब हर टेंपल में आपको पता है बहुत सारे पिलर्स होते हैं, तो यहाँ पर भी पिलर्स हैं बहुत सारे। एक स्पेशल पिलर है जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात की हुई है, एक स्पेशल पिलर है जिसको हमने बोला है पिलर ऑफ पिलर्स, पिलर ऑफ पिलर्स। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैं बोलूँ आपको, एक पिलर है,
इस तरह का पिलर आर्किटेक्चर होता है, आपको पता ही है ऐसे बना होता है। लेकिन ये जो पिलर बना हुआ है ना, इसके अंदर अंदर भी आपको ऐसे छोटे छोटे से पिलर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के साथ यहाँ पर आपको छोटे छोटे पिलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है, पिलर ऑफ पिलर्स है ना, इसलिए एक स्पेशल टाइप का पिलर है जो चर्चा में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कितने एकड़स में बना हुआ है, तो ये 27 एकड़ में बना हुआ है। बहुत बड़ी जगह लेकर इस मंदिर को बनाया गया है, जिसमें कि जो 13.5 का एकड़ की जो जमीन है, 13.5 एकर्स जो होते हैं, वो भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो थे वहां के, 2019 में जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गिफ्ट की है वो जमीन, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद। नाम याद रखेंगे, शेख मोहम्मद बिन जायद, इनके द्वारा ये 13.5 एकड़ की जमीन गिफ्ट की गई है कि मैं आपको यहाँ पर जमीन गिफ्ट कर रहा हूँ और आप यहाँ पर अपना मंदिर का निर्माण करिए। तो बहुत सारी सुर्खियाँ ऐसी भी है कि एक मुस्लिम राजा के द्वारा एक हिंदू मंदिर के लिए जमीन दी जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीजें बताऊं, तो आपको पता चलेगा कि देखिए, एक तो बन रहा है हिंदू टेम्पल, दूसरा एक मुस्लिम राजा है जिसने यहाँ पर दिया है। तीसरी बात अगर मैं यहाँ बात करूं कि जो ये यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर था, प्रोजेक्ट मैनेजर हर चीज का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो एक सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो लीड आर्किटेक्ट है, लीड आर्किटेक्ट जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, वो कैथोलिक है, कैथोलिक क्रिश्चियन है जिन्होंने यहाँ पर इसको बनाने का काम किया है। फिर अंदर की अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूँ, तो जो डिजाइनर था, डिजाइनर है सॉरी, वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसकी कमिटी बनी है, वो कमिटी जो बनी हुई है, अलग अलग क्या होता है कि मंदिरों के निर्माण के लिए कुछ कमिटीज का भी गठन किया जाता है, ताकि वो देख सके कि कितना आय व्यय का हमारा पूरा लेखा जोखा बना के रखें। तो वो पारसी कम्युनिटीज के हैं व्यक्ति, जो कि जिन्होंने वो बना के रखा हुआ है एक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर डायरेक्टर है, इसको डायरेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, तो एक जैन समुदाय के हैं वो कर रहा है। देखेंगे आप, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेकुलरिज्म को भी यहाँ पे शो किया गया है। तो सेकुलरिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला मंदिर, तो इसलिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि हर एक समुदाय से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि हिंदू टेम्पल बन रहा है तो भाई हिंदू वाले ही मंदिर बनाएंगे, डिजाइनर भी वही होंगे, नहीं। हर एक चीज को ध्यान में रखकर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां पर एक टेक्नोलॉजी यूज करी गई है जिसको हम बोलते हैं नैनो टाइल्स। नैनो टाइल्स क्या होते हैं, एक्चुअली में बाहर जो फ्लोरिंग होती है ना, उसमें लगाया हुआ है। आपको पता है अबू धाबी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जमीन में चलने में हम जैसे कि पैरों में एकदम जलन होती है, तो वैसी जलन ना हो, इसी नैनो टाइल्स यहाँ पर लगाए गए, ताकि हॉट वेदर में भी वो गर्म ना हो, थोड़ा सा चिल्ड आउट रहे, इसलिए यहाँ पर नैनो टाइल्स लगाए गए हैं। एक चीज और याद रखेंगे, बाहर के साइड अगर जैसे कि ये मंदिर है, मंदिर के आइट साइड में क्या होता है, कुछ नदियां होना चाहिए ना, तो यहाँ पे होली रिवर का कंसेप्ट भी लेकर आएंगे, होली रिवर, और राइट साइड में उन्होंने पानी भरा हुआ है। कौन सी नदी से लेकर आए हैं वो पानी, वो याद रखना है, उसमें गंगा और यमुना का पानी है। अब आपको पता है गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियां है ना, तो सरस्वती रिवर को तो यहाँ पे शो नहीं कर पाए, तो उसके डिपिक्शन के लिए उन्होंने क्या किया है, व्हाइट लाइट्स लगाई है, व्हाइट लाइट्स लगाई है किनके लिए, सरस्वती रिवर के लिए, कि भाई सरस्वती रिवर भी है, तो हर एक नदी को भी यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर ये जो मंदिर है इसका निर्माण किया गया है, और कहीं ना कहीं हमारी जो कहना चाहिए बायलेटरल ट्रेड वाली चीज है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि शेख मोहम्मद बिन जायद अभी जो गुजरात में समिट हुआ था उसमें भी आए थे, गुजरात समिट में भी आए थे, 2024 में हुआ है ना, उसमें भी ये आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं उस समय भी हमने इस बारे में बात करी थी, वाइब्रेंट गुजरात करके जो हुआ था ना समिट, वाइब्रेंट गुजरात, उसमें भी आए थे, तो उस समय भी हमने इनसे बातचीत करी थी। तो कहीं ना कहीं हमारे बायलेटरल ट्रेड वगैरह जो भी होता है यूएई के साथ, वो बहुत अच्छा होता है, और यूएई के साथ इंडिया के रिलेशन शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा
बीच में हम लोगों के बीच में दरारें आ गई, वैसा कभी नहीं हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये मंदिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और चूंकि अभी मोदी जी यहाँ पर आपको यूएई में हैं, तो इसीलिए वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें भी करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेंगी। तो हम हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे। जैसे कि मैंने आज के टॉपिक में आपको बताया कि यूएई में, यूएई के अबू धाबी में पहला ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल बनाया गया है, जो कि बीएपीएस टेम्पल कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया है। बीएपीएस का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो 108 फीट का मंदिर है और यहाँ पर वैष्णविज्म सेक्ट को बिलोंग करता है। और इसी तरह के जो मंदिर है, ये हमारे यहाँ जो अक्षरधाम टेम्पल है दिल्ली में, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। सात शिखर क्या पर दर्शाते हैं यहाँ पर, कि सेवन एमिरेट्स जो है यूएई के उनको दर्शाते हैं। नागर शैली पर बेस्ड है। दो डोम है वो आपको ध्यान रखना है, एक है डोम ऑफ हार्मनी, एक है डोम ऑफ पीस। देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि एक जो बाहर की लेयरिंग है वो सैंडस्टोन, पिंक कलर्स के सैंडस्टोन यूज किए गए हैं, जो कि राजस्थान से लिए गए हैं, और अंदर इटालियन मार्बल लगाया हुआ है। और ये भी याद रखना है नैनो टाइल्स है, जो वो पाथवे है हमारा उसमें नैनो टाइल्स लगाए गए हैं, ताकि चिल्ड आउट माहौल बना रहे, एकदम गर्मी के वेदर में दिक्कत ना हो। उसके बाद इसकी विचारधारा किसने रखी थी, तो 1997 में जो इनके 10th स्पिरिचुअल गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, उनके द्वारा इसकी बात करी गई थी। फिर अगर मैं बोलूं कि इंडियन डायस्पोरा के कंपैरेटिवली भी हमने बात करी कि भाई इतनी जनसंख्या वहां पर रहती है बात इंडियंस की, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मंदिर तो हम बना ही सकते हैं। फिर यहाँ पर होली रिवर, गंगा और यमुना उनका पानी भी लाया गया है, और सरस्वती को डिपिक्ट करने के लिए व्हाइट लाइट्स लगाई गई हैं। पिलर ऑफ पिलर्स, इसकी भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये बनाया गया है यहाँ पे। फिर 27 एकर्स में बना हुआ है, 13.5 एकड़ की जमीन शेख मोहम्मद बिन जायद द्वारा दी गई है। एक सेकुलरिज्म को शो करता है कि जो मैनेजर हैं वो सिख हैं ना, लीड आर्किटेक्चर कैथलिक हैं, जैन धर्म के हैं, बुद्ध धर्म के हैं, और पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा टाई ये शो करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरह का अगर आर्किटेक्चर बनता है तो दो देशों के साथ साथ अलग अलग कम्युनिटीज़ भी एक दूसरे से जुड़ती हैं, एक दूसरे के रिलीजन को जानती हैं। और हम जो हमने मैंने आपको जैसे बताया कि अंदर जो आर्किटेक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट की हुई हैं, जैसे हमारे देवी देवताओं को डिपिक्ट किया हुआ है, अलग अलग सिविलाइजेशंस को डिपिक्ट किया हुआ है। तो इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, मैं बोल सकती हूँ, सेकुलरिज्म। मैं बार बार बोलूँगी कि सेकुलरिज्म को बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये शो करता है, और इस तरह के मंदिरों की नीड हमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप मैंने जितनी भी डिटेल्स बताई हो आपको सब समझ में आई हो। एंड इसी तरह की अभी जो भी घटनाएं होती रहेंगी उसके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।